नमस्कार दोस्तों, सब कैसे हैं सभी। आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम सभी के सामने पेसर टाटा पंच, ये भाई साहब जाने जाते अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए एंड मस्कुलर लुक्स के लिए। एंड आज आप लोग देखने वाले हैं टाटा पंच का एडवेंचर रिदम वेरिएंट को, जो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला 7,35,000 से इसका ये वाला वेरिएंट। वैसे तो अगर आप इसका बेस मॉडल लेंगे तो 6,13,000 से स्टार्ट से यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। एंड ये एडवेंचर रिदम आपको पड़ेगा 7,35,000 रुपये एक्स रूम एंड 8,35,000 के आसपास जाने वाली है ऑन रोड लखनऊ इसका ये वाला यहाँ पे वेरिएंट। ये वेरिएंट यहाँ पे इसका होगा मोस्ट वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि इसमें आपको मिलेंगे जरूरत वाले सारे फीचर्स। लुक्स वाइज देखेंगे एकदम मस्कुलर सी यहाँ पे रहने वाली है ग्रे कलर में, अभी आप यहाँ पे इसको देख पा रहे हैं। बाकी इस वेरिएंट के साथ इस तरह कुछ आपको मिलेगी फ्लिप रिमोट सेंटर लॉकिंग की। वेरिएंट्स यहाँ पे आपको इसमें चार देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट प्रोफाइल की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा टाटा का लोगो, इसी के साथ साथ नीचे देखेंगे लोअर ग्रीन पूरी भी आपको मिलेगी ट्रेडर डिजाइन पैटर्न के साथ ब्लैक कलर की। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको उसमें मिलता है पार्किंग लाइट, पार्किंग लाइट के साथ ही साथ साइड में आपको यहाँ पे दिखेगी इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट। नीचे आएंगे तो नॉर्मल से हैलोजन बेस इसके हेडलैम्प्स का पूरा सेटअप, कोई भी फॉग लैम्प्स वगैरह यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे इसके इस वाले वेरिएंट के साथ। टोइंग का ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं इसके फ्रंट बम्पर में। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको उसमें देखने को मिलेगा 187 मिलीमीटर का। तो आगे से वो गई भाई साहब फाइनली पूरी यहाँ पर कंप्लीट। ऊपर यहाँ पर देखेंगे इसका डुअल वाइपर एंड वॉशर की प्लेसमेंट। प्लेन रूफ है, सनरूफ लेना चाहे तो उसका भी आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साइड प्रोफाइल में जब आते हैं यहाँ पे कार की, तब सबसे पहले आपको दिखेंगे यहाँ पे इसके नॉर्मल से स्टीलिम जो देखने को मिलेंगे यहाँ पे 15 इंचेस के। इस सेगमेंट की दूसरी में जाएंगे यानी कि अगर हिंडी एक्सटर वगैरह में तो वहाँ पे आपको थोड़ा छोटा साइज मिलता है। टायर प्रोफाइल 185 बड़े 70/15 इंचेस के यहाँ पे देखने को मिलते हैं रेडियल के टायर्स। आगे डिस्क ब्रेक्स आपको मिलेंगे, पीछे ड्रम ब्रेक्स रहते हैं, इतना कुछ यहाँ पे देखेंगे ट्रैवल। ब्लैक कलर की दी जाएगी पूरी आपको यहाँ पे इसमें क्लाइडिंग। आउटसाइड मिरर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ये भी रहते सेम बॉडी कलर में, इलेक्ट्रिक वे एशेबल देखने को मिल जाएंगे। बाकी फोल्ड एंड फोल्ड आपको हाथों से करना पड़ेगा। ए पिलर भी आपको मिलता है यहाँ पे सेम बॉडी कलर। डोर वाइजर अंदर जाएंगे, सीट कवर, मैटिंग ये यहाँ पर देखेंगे, डोर गार्ड ये सारे पार्ट यहाँ पर रहेंगे एक्सेसरीज के जो लगाएंगे बाद में। अंदर से अगर आपको दिखा दें तो इस तरह आपको दिखेगा इसका पूरा डैशबोर्ड का व्यू। टच स्क्रीन इसी के साथ मैनुअल एसी के कंट्रोल्स, दो एयरबैग्स आएंगे, डिजिटल आपको मिलेगा इसका पूरा क्लस्टर। बैठते हैं तब आपको दिखाते हैं पूरा डिटेल में। पीछे की तरफ यहाँ पे इसका फ्यूल फिलर कैप, जहाँ से आप इसमें डलवाएंगे पेट्रोल, 37 लीटर आपको मिलेगी फ्यूल टैंक कैपेसिटी, यहीं से आप इसमें पेट्रोल फिल कराएंगे। और रियर की बात करें तो आपको पीछे यहाँ पे नॉर्मल से ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, आगे तो डिस्क ब्रेक्स रहेंगे। और इसका सस्पेंशन गैप देख पा रहे हैं ना भाई, सब कितना ज़्यादा है। यहीं पर अगर आप एक्सटर वगैरह में जाते तो उसका भाई सस्पेंशन गैप काफ़ी कम रहता है, इसी वजह से थोड़ा वो ना उसमें कुछ ऐसा चल रहा था कि भाई सस्पेंशन दब जाता है ये वो, तो वो तो चलिए जब बैठेंगे तभी पता चलेगा। एंड डायमेंशन की बात करें अगर टाटा पंच की, तो इसमें आपको मिलेगी 3827 मिलीमीटर की इसकी यहाँ पर लेंथ। इसी के साथ 1742 mm की इसके यहाँ पे विड्थ देखने को मिलती है एंड 1615 mm की इस गाड़ी की यहाँ पे इसकी हाइट। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे इसके पूरे डायमेंशन के बारे में। एंड वारंटी वगैरह आपको मिलेगी 3 साल 1,00,000 किलोमीटर की, जिसको फर्दर आप आगे एक्शन करा सकते हैं। अब आइए चलते बैक प्रोफाइल की तरफ, बैक से आपको दिखाते हैं कैसी कुछ दिखेगी। तो इस तरह कुछ मस्कुलर सी यहाँ पर रहने वाली है रियर प्रोफाइल से। सेंटर में देखेंगे देखने को मिलेगा टाटा का लोगो, लोगो के जस्ट नीचे यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरे की प्लेसमेंट, पंच की यहाँ पर दी गई बैजिंग। ऊपर आएंगे तो कोई भी यहाँ पर रियर वाइपर डिफॉगर आपको नहीं मिलेगा इसके इस वाले वेरिएंट के साथ। वोकल फॉर लोकल का स्टिकर, यहाँ पर जाएंगे तो हाई माउंट स्टॉप लैंप ऊपर की तरफ यहाँ पर रहने वाला है इसका एक पावर एंटीना। बैकलाइट्स वगैरह वही आपको रेगुलर हैलोजन बल्ब वाली आपको मिलेंगी, जो रहेंगे टायर डिजाइन के पैटर्न के साथ, इसी में आपको दिख जाएंगे इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट। नीचे यहाँ पर देखेंगे तो रिफ्लेक्टर्स वगैरह दिए गए, दो रहेंगे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स इसके बम्पर में एंड ये इसकी रहेगी रिवर्स लाइट। नेम प्लेट वाली लाइट आपको यहाँ पे वाइट बढ़िया सी एलईडी वाली देखने को मिल जाएंगी। एंड अब इसके बाद नीचे का देखेंगे, ये रहेगा इसका रियर सस्पेंशन सेटअप, इधर यहाँ पे इसकी एग्जॉस्ट पाइप। अगर आप सीएनजी वेरिएंट्स में जाएंगे तो स्टेपनी की आपको प्लेसमेंट यहीं पे देखने को मिलेगी नीचे की तरफ। अब आइए आपको दिखाते हैं इस माइक्रो एसयूवी कार का यहाँ पे बूट स्पेस। तो यहाँ पे आपको इस कार में मिलता है 366 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस, 366 लीटर का। ऊपर की तरफ यहाँ पे दी गई इसकी पार्सल ट्रे, इसको हटाना चाहे तो हटा भी सकते हैं। यहाँ पे अपना पूरा ट्रॉली बैग, झोले वगैरह जो भी लगे जो आराम से प्लेस कर लीजिए। इधर यहाँ पे इसकी बूट लाइट दिखेगी एंड ये रहेगा हुक वगैरह, जिसमें 1 kg तक अपना कुछ भी पन्नी थैली वगैरह टांग सकते हैं। स्टेपनी वाला जो इसका टायर रहता है वो देखने को मिलेगा नीचे। तो यहाँ पे नीचे इस पर व्हील की मिलेगी प्लेसमेंट, जो आपको दिया जाएगा नॉर्मल सा स्टील लिम। सीएनजी वेरिएंट्स में जाएंगे तो ट्विन सिलेंडर आपको यहाँ पे मिलेंगे, तब भी आपको बड़े सा बोर्ड स्पेस देखने को मिल जाता है। आइए इसको करते हैं यहाँ पे धीरे से बंद। सो ये आपने देखा इसको पूरा रियर से। बाकी सेगमेंट में अगर आप दूसरा ऑप्शन ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा हुंडई एक्सटर का, हुंडई एक्सटर का। लेकिन एक्सटर में वो बात नहीं जो आपको मिलती है टाटा पंच में। पहला नंबर तो भाई साहब लुक्स एकदम आपको मस्कुलर से मिलेंगे उससे, एंड इसी के साथ मिलेगी 5-star की सेफ्टी रेटिंग, जो ग्लोबल एनकैप ने इस कार को क्रैश टेस्ट में प्रोवाइड की हुई है। लुक्स भी बड़ा सा मिल जाता है, एलॉस का साइज भी आपको बड़ा मिलेगा, इसी के साथ साथ और भी रहेंगे काफ़ी गजब के फीचर्स। ग्रे कलर में अभी आप यहाँ पर कार को देख पा रहे हैं, ग्रे मिलेगा, व्हाइट मिलेगा, रेड मिलेगा, ब्लू मिलेगा, ट्रॉपिकल मिस्ट मिलता है, ऑरेंज मिलता है, इस तरह के इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे।
अब आइए चलते कार के अंदर दिखाते इसका पूरा व्यू। अरे डोर से आप इसकी 90 डिग्री खुल जाएंगी, तो डुअल टोन में देखेंगे इसकी डोर ट्रिम जिसमें आपको दिखेगा पावर विंडो का कंट्रोल। यहाँ पर देखेंगे इसका डोर ओपनर, नीचे आपको स्पीकर्स बॉटल होल्डर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इनकी डोर्स में। सीट्स वगैरह सारे यहाँ पे फैब्रिक के आने वाली, सीट कवर वगैरह देखेंगे तो ये सब यहाँ पे पार्ट रहने वाला एक्सरीज का। ये हो गया मैटिंग वगैरह, ये सब यहाँ पे डालेगी बाद में। चलिए बैठ के देखते हैं अंदर इसका पूरा इंटीरियर। तो गाइज अंदर आने के बाद सबसे पहले देखेंगे डैशबोर्ड का व्यू इस तरह। यहाँ पे आपको उसमें टच स्क्रीन भी दिख जाएगी इसका इस एडवेंचर रिदम के साथ, टच स्क्रीन प्लस रिवर्स पार्किंग कैमरा। बट इस वेरिएंट में कोई भी आपको एसी इवेंट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप एडवेंचर प्लस करके आता है या एडवेंचर प्लस एस में जाइए तो आपको आई थिंक वहाँ पे वो एसी इवेंट्स वगैरह भी दिए जाएंगे, वो डिपेंड करेगा वेरिएंट्स वाइज। यहाँ पे मैटिंग वगैरह सब बाद में पड़ी, हब वगैरह नहीं रहेगा तो आराम से तीन लोग भी यहाँ पे बैठ जाएंगे। इतना कुछ यहाँ पे आपको उसमें इसका लेग रूम नी रूम देखने को मिलेगा, बाकी ये रहेगा इसका थाई सपोर्ट एवरेस्टा। इधर की दिखाएं डोल ट्रिम वही पूरी डुअल टोन में। यहाँ पे इसका हैंडल वगैरह पीछे का देखेंगे व्यू। पार्सल ट्रे रहेगी जिसपे आप अपना कुछ भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। हेडरेस्ट वगैरह आपको दो मिलेंगे, दोनों यहाँ पे आपको उसमें फिक्स देखने को मिल जाते हैं। एंड ये रहेंगे इसमें सीट बेल्ट्स के पॉइंट्स। तो इधर का आपने देखा, अब आइए निकलते चलते ड्राइवर साइड की तरफ, वहाँ से आपको दिखाते हैं इस कार को। तो आइए अब यहाँ पे इसकी डोर को करते बंद, फिर चलते हैं ड्राइवर साइड की तरफ। यहाँ से करेंगे क्लोज, ये रहेगी इसकी ड्राइवर साइड वाली यहाँ पे डोर हैंडल की मैंने आपको दिखाई दी। इस तरह कुछ आपको मिलेगी फ्लिप रिमोट सेंटर लॉकिंग की, जिसमें आपको लॉक अनलॉक फोल्ड मैडम्स के बटन्स मिलते हैं। पीछे रहेगा टाटा का लोगो। तो एक तो यहाँ पे ये आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग की मिलेगी, दूसरी आपको मिलती है नॉर्मल सी मैनुअल फिजिकल की। डोर वही पीछे की तरह यहाँ पे दी गई है, जिसमें आपको मिलेंगे चारों कॉर्नर्स के कंट्रोल्स, यहाँ पे ओआरबी एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स, ऊपर डोर ओपनर, नीचे स्पीकर्स बॉटल होल्डर आपको देखने को मिल जाएगा। डैशबोर्ड अभी आपको पूरा पे बैठ के दिखाते हैं। सीट कवर वगैरह सब यहाँ पे बाद में लगाए गए हैं। इसमें सिर्फ आपको सीट रिक्लाइन का ऑप्शन मिलता है इसके एडवेंचर रिदम के साथ। नीचे इसका फील्ड ओपनर, यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन के एबीसी पैडल, उधर देखेंगे डेड पैडल भी दिया गया है। आगे अगर आपको इसका हुड वगैरह बोनेट खोलना तो उसका लीवर मिलेगा यहाँ पे। दो ड्राइव मोड्स और यहाँ पे आपको मिलते हैं इसी के साथ आइडियल शॉप का बटन। तो चलिए अब चलते गाड़ी के अंदर बैठ के आपको दिखाते हैं इसका पूरा अंदर का डैशबोर्ड का व्यू। तो गाइस अभी आ चुके टाटा पंच के अंदर। सबसे पहले क्लस्टर देखेंगे तो पूरा डिजिटल आपको देखने को मिलेगा, काफी सारी चेकलाइट्स रहेंगी, बीच में स्पीडोमीटर, इधर यहाँ पे स्कार्पे मीटर, फ्यूल गेज वाली इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे मिलेगी, कितना कुछ पेट्रोल है यहाँ से आप देख सकते हैं। ऊपर यहाँ पर रहेंगे टेम्परेचर वाले बार्स, इसमें आपको ट्रिप माइलेज एवरेज रेंज वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। देखने के लिए ये यहाँ पे टॉगल रहेगा, इसको प्रेस करके आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील में यहाँ पे देखेंगे टाटा का लोगो, इधर जाएंगे टेलीफोनिक इंफोटेनमेंट के, मिलेंगे सारे कंट्रोल्स। ये इसका एडवेंचर रिदम, जिसके लिए आप एडवेंचर से समथिंग वही 34-35 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करते हैं। उसमें क्या होगा, आपको ये टच स्क्रीन प्लस रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाता है। इधर कोई भी आपको माउंट कंट्रोल्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। मैनुअल हेडलाइट्स आता है तो उसके यहाँ पे कंट्रोल्स, यहाँ पर जाएंगे वाइपर्स के कंट्रोल्स, टिल्ट एडजस्टेबल आपको देखने को मिलेगी इसके स्टीयरिंग। डैशबोर्ड वगैरह पूरा डुअल टोन में आपको ऑफर किया जाएगा। यहाँ पे पावर्ड बाय हरमन 7 इंचेस वाली इसकी टच स्क्रीन। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे आपको उसमें एंड्रॉइड ऑटो एपल कार प्लस यूएसबी ऑक्स सारी कुछ कनेक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये रहेंगी इसकी कुछ यहाँ पे एप्लीकेशंस वगैरह। रिवर्स पार्किंग कैमरा कुछ इस तरह यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये भी रहेगा एवरेस्टा। अब तो भाई साहब इसमें बड़ी टच स्क्रीन भी आ चुकी है 10.25 इंचेस वाली, तो वो आपको मिलेगी इसके ऊपर वाली वेरियंट्स में। नीचे हेडलाइट का स्विच, एसी वेंट्स वगैरह पूरे ब्लैकआउट आपको देखने को मिल जाएंगे। मैनुअल एसी यहाँ पे आने वाला है इसके इस वाले वेरिएंट के साथ। यहाँ से फैन स्पीड अपना कम ज़्यादा कर लीजिए, बाकी यहाँ से फ्लो वगैरह हो गया, टेम्परेचर वगैरह यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये भाई साहब यहाँ पे एक सीरीज का पार्ट रहेगा, डस्टबिन बोलिए जो भी इसको बोल लीजिए। नीचे की तरफ यहाँ पे देखेंगे तो टाइप ए यूएसबी का पोर्ट, 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट, और नीचे की तरफ स्पेस वगैरह कुछ भी अपने यहाँ पे सामान वगैरह रख सकते हैं। ये इसका 5 स्पीड यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक का भी आपको ऑप्शन मिलेगा इसके पेट्रोल वेरिएंट के साथ। सीएनजी में सिर्फ मैनुअल का ऑप्शन मिलता है अभी तो, हालांकि अब इसका देख रहे हैं पेट्रोल वेरिएंट। यहाँ पे हैंडब्रेक वगैरह दी गई है, दो ग्लास होल्डर्स यहाँ पे रहने वाले हैं, और यहाँ पे भाई साहब ये रहेगा खाली सा इसका सॉकेट, इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। डोर ट्रिम आपने देख ली, एयरबैग्स आपको मिलेंगे दो, एक रहेगा यहाँ पे, दूसरा रहेगा वहाँ पे। ग्लव बॉक्स अगर खोलेंगे तो इतना कुछ यहाँ पे स्पेस देखने को मिलेगा। हैंड ये आपको मिलता है नॉर्मल सा, ऊपर टैबलेट होल्डर देखने को मिल जाएगी। और अब ऊपर की तरफ आएंगे तो मैनुअली एडजस्टेबल इसका ईयरवीएम रूफ लाइट पीली वाली माइक वगैरह दिया गया है यहाँ पे बात बात करने के लिए। और इधर सनवाइजर में देखेंगे तो आपको दिखता है टिकट होल्डर। देन को ड्राइवर साइड आपको मिलेगा इसमें वैनिटी मिरर। तो फाइनली ये आपने देखा स्टार्टअप पंच के इस एडवेंचर रिदम वेरिएंट का अंदर का पूरा डैशबोर्ड। मेरे हिसाब से अगर आपको जरूरत वाले सारे फीचर्स चाहिए, जैसे कि टच स्क्रीन, रिवर्स पार्किंग कैमरा, डिजिटल क्लस्टर, तो आपको बेसिक मॉडल से मिलेगा, एंड चारों पाउंडर्स के कंट्रोल्स एंड व्हील कवर्स, इस तरह के जो भी जरूरत वाले फीचर्स हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे इसके इस वाले वेरिएंट के साथ। तो चलिए अब निकलते हैं गाड़ी के बाहर, फिर बात करते हैं इसके इंजन स्पेक, प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। सो ये तो आपने देखा इसके अंदर का यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड वगैरह। अब बात करेंगे इसके इंजन स्पेक के बारे में। तो जैसा कि जानते हैं स्टार्टअप पंच में आपको एक ही यहाँ पे इंजन ऑप्शन मिलेगा 1.2 लीटर में 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन ऑप्शन, जिसमें आपको मिलती है वही 87 BHP की पावर एंड 115 Nm के आसपास यहाँ पे इसका टॉर्क देखने को मिल जाएगा। पेट्रोल में आपको मान के चलिए 18 से 19 KM तक यहाँ पे माइलेज देखने को मिलेगा अगर आप जाएंगे इसके CNG वेरिएंट के साथ।
सीएनजी में जब आप स्विच करेंगे तो पावर फिगर थोड़ी कम मिलेगी, वही 72 पीएस के आसपास यहाँ पे मिलेगी, उसमें पावर 96 एनएम के आसपास वहाँ पे टॉक देखने को मिलेगा, माइलेज सीएनजी में क्लेम किया जाएगा 26 के आसपास तक। एंड अब फाइनली लास्ट में बात आती है इसकी कीमत की, अगर आप स्टार्टअप पंच के यहाँ पे एडवेंचर रिदम वेरिएंट को लेंगे तो ये आपको पड़ने वाला है 7,35,000 रुपये एक्स रूम, यानी कि 7,35,000 आपको पड़ेगा एक्स रूम, एंड 8,35,000 जाएगा ऑन रोड लखनऊ। सेफ्टी फीचर्स में आपको उस कार के साथ ABS विद EBD, डुअल एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, स्पीड एलर्टेशन, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इम्बलाइजर, क्रैश सेंसर, इस तरह के काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं इस मस्कुलर माइक्रो SUV कार के साथ। तो यही था आज कमरा वीडियो स्टार्टअप पंच के एडवेंचर रिदम कमरा में, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जो कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं सुनील, फिर मिलता हूँ आपको अगली किसी बेहतरीन सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।